हेलो गाइस, तो आज की वीडियो में हम बनाने वाले हैं दिस ऑफ शोल्डर कुर्ती विथ शरारा। इसको हम टू पार्ट्स में बनाएंगे। इस वीडियो में हम बनाएंगे टॉप कुर्ती एंड नेक्स्ट वीडियो रहेगा हमारा शरारा पर। चलिए अभी हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, हम इस साड़ी को कन्वर्ट करेंगे ब्यूटीफुल शरारा और कुर्ती में। तो गाइस, इसकी बॉर्डर हम शरारे की बॉटम में यूज़ करेंगे और जो गाइस इसका ये पल्लू है, ये हमें हम फ्रंट कुर्ते के बॉटम में यूज़ करेंगे। मतलब पल्लू हम कुर्ती के लिए यूज़ करने वाले हैं। इसको हम डबल फोल्ड कर लेंगे। पहले हम कुर्ती कर रहे हैं गाइस। तो यहाँ पर अभी हमें कुर्ती की लेंथ चाहिए है 35 इंचेस हमें लेंथ चाहिए। उसके लिए हम 1 इंच मार्जिन लेके चल रहे हैं, दैट इज़ 36 इंचेस। यहाँ पर अभी हम शोल्डर 6 इंचेस मार्क करेंगे। ऑफ शोल्डर है गाइज ये, तो यहाँ पर हम नीचे 4.5 इंचेस मार्किंग देंगे। यहाँ पर हम 36 बर्स साइज के लिए यहाँ पर 12 इंचेस पर मार्किंग देंगे। ये 12 इंचेस है हमारा। यहाँ पर अभी हम 2 इंचेस पर मार्किंग देंगे डायगोनली और यहाँ पर अभी हम कर्व शेप दे देंगे। यहाँ पर हम नीचे 4 इंचेस मार्किंग देंगे और यहाँ पर 11 इंचेस पे मार्किंग देंगे। फिर यहाँ हम नीचे 16 इंचेस मार्किंग देंगे। 16 इंचेस पर हमें यहाँ पर 13 इंचेस मार्किंग देना है। सभी पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देंगे यूजिंग अ स्केल। यहाँ नीचे भी हम 13 इंचेस पे मार्किंग देंगे और यहाँ पर हम सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। मार्किंग अभी हम कट कर देंगे। सो गाइज, अगर आपको ड्रेस पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर से दबाएं इंस्टेंट नोटिफिकेशंस की। सेम मेजरमेंट का हम बैक के लिए एक और पीस कट कर देंगे। यहाँ पर हम स्लीव्स के लिए 2 फैब्रिक ले लेंगे। इनको हमने डबल फोल्ड कर लिया है। यहाँ पर हम स्लीव्स की विड्थ ले रहे हैं 8 इंचेस। 7 इंचेस चाहिए गाइज, हम यहाँ पर 8 इंचेस मार्किंग देंगे। उसकी विड्थ लेंगे हम 13 इंचेस। यहाँ पर हम 4 इंचेस पे मार्किंग देंगे और जो गाइज हमारा कुर्ता है उसका आर्म होल की हमें यहाँ पे मार्किंग देनी है। ये ध्यान से देखिए गाइज स्लीव्स की मार्किंग। स्लीव्स राउंड हम यहाँ पर 6 इंचेस ले रहे हैं, मार्जिन 3 इंचेस, दैट इज़ टोटल 9 इंचेस हो जाएगा हमारा। अभी यहाँ पर हम कटिंग कर देंगे। तो गाइज यहाँ पर 2 हमारी कुर्ती के और 2 हमारे स्लीव्स के पार्ट आ गए हैं। अभी सेम मेजरमेंट का हमें अस्तर के लिए फैब्रिक कट लेना है। अस्तर का लेंथ हमें थोड़ा सा छोटा लेना है गाइज। अब गाइज हम इन स्लीव्स और कुर्ती पीसेस को ज्वाइन करेंगे। तो देखिए, हमें एक कुर्ती और एक स्लीव्स का ऐसे हमें ज्वाइन करने हैं आर्म होल्स। इसके बाद जो हमारा स्लीव्स है उससे हम एक कुर्ती का आर्म होल ज्वाइन करेंगे और जो कुर्ती का दूसरा आर्म होल है वो हमें नेक्स्ट स्लीव से ज्वाइन करना है। ये सो गाइज, अभी हमारा रिमेनिंग 1 स्लीव्स और जो स्टार्टिंग में हमारे कुर्ती का पीस था तो उनके आर्म होल्स को भी हम सेम मैनर में ज्वाइन कर देंगे। तो अभी हम इन सभी को ज्वाइन कर देंगे जो भी हमने सिक्योर किया है। सेम तरीके से गाइज हमें अस्तर का भी ज्वाइन कर देना है सभी पीसेस। गाइज अब ये हमारा ऑफ शोल्डर का मेजरमेंट आया है। इसको आप मैन्युअली मेजर कर लीजिए, कम ज़्यादा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं यहाँ पर, सो दैट शोल्डर आपका नीचे ना जाए। अभी हमें अस्तर और मेन फैब्रिक को इस तरीके से प्लेस करना है और जो हमारे स्लीव्स के बॉर्डर हैं उनको हमें स्टिच करना है। ये देखिए, इसको भी हम सीधे साइड से पलट देंगे।
तो गाइज अभी जो हमारे शोल्डर्स हैं पहले हम इनको सिक्योर कर देते हैं सो दैट ये अलग ना जाएं। वन इंच क्रॉस स्ट्रिप की मदद से गाइज अभी हमें शोल्डर पर पाइपिंग देना है तो सिंपली हमें क्रॉस स्ट्रिप को डबल फोल्ड करना है और थ्रू आउट द बॉर्डर पर यहाँ पर स्टिचिंग दे देनी है। सो गाइज इफ यू लाइक द ड्रेस देन डू सब्सक्राइब द चैनल हिट द बेल आइकन फॉर इंस्टेंट नोटिफिकेशन। जो एक्सेस फैब्रिक है गाइज हमें स्टिचिंग के पास से कट कर देना है, ये हमें बहुत ज़रूर से करना है क्योंकि इससे हमारी पाइपिंग है जो फिनिश्ड आएगी। और अभी हम पाइपिंग को ऐसे पलट कर बॉर्डर पर स्टिचिंग दे देंगे। सो गाइज पाइपिंग की परफेक्ट फिनिशिंग के लिए जो जॉइंट होता है हमारा पाइपिंग और फैब्रिक का उस पर हम स्टिचिंग देंगे तो फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी। सो गाइज ये पाइपिंग हमारी हो गई है। अब यहाँ पर गाइज हम डेकोरेशन के लिए यहाँ पर बॉर्डर पर लेस यूज़ कर रहे हैं। आप कोई भी लेस यूज़ कर सकते हैं, कम्प्लीटली ऑप्शनल है। ये गाइज हमारी रेडी हो गई है पाइप लेस। सेम तरीके से हम स्लीव्स के बॉर्डर पर भी लेस को लगा देंगे। ये हमने इसकी बॉटम बॉर्डर को भी फिनिश करना है। ये अस्तर की ये देखिए ये हमारी बॉटम बॉर्डर भी रेडी हो गई है। अब गाइज हम साइड में स्टिचिंग करेंगे तो यहाँ पर हमें मेजरमेंट्स के हिसाब से कुर्ते पर मार्किंग दे देनी है और उसके बाद हमें साइड बॉडी पर स्टिचिंग करनी है। तो गाइज अभी यहाँ पर हमें स्प्लिट देना है अपने कुर्ते पर। ये हम 20 इंचेस पर देते हैं, हमने ऑलरेडी पहले पे मार्किंग की थी गाइज, आपने मे बी नोटिस किया होगा। यहाँ पर अभी हम प्लेकेट बनाएंगे। यहाँ पर हमें फोल्ड करके एक साइड से यहाँ पे स्टिचिंग देनी है। मेक श्योर गाइज अस्तर ऊपर नीचे ना हो, इसको प्रॉपरली सेट करके ही स्टिचिंग देना है। सो गाइज दूसरे साइड भी हमें सेम मैनर में फिनिश कर देना है। और गाइज इसी के साथ हमारा ड्रेस फिनिश होता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम शरारा बनाएंगे। सो गाइज सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।